ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, यह हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर अक्टूबर के महीने में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के किस क्षेत्र में प्रसन्नता, उल्लास और सफलता देखने के लिए मिलेगी और जीवन के किस मोर्चे पर कर्क राशि वाले जातकों को नकारात्मक पहलू और नकारात्मक परिस्थितियां देखने के लिए मिलेगी, सटीक जानकारी ग्रहों के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास जरूर करें। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें, यह राशिफल आपको क्यों देखना चाहिए? तो आपको इसलिए देखना चाहिए कि आप आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही जानकर अवलोकन करके आप आने वाले समय और वर्तमान को जीवन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकें, इसलिए राशिफल को जरूर देखना चाहिए। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कर्क राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। उपाय के दौरान ज्योतिषी चार ऐसे कारण आपको बताएंगे, कार्य बताएंगे, जिसको कर्क राशि वाले जातकों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा बर्बादी देखने के लिए मिलेगी। और चार ऐसे कार्य बताएंगे जिस पर आपको अमल जरूर करना चाहिए, इससे आप अपने जीवन को सरल, सुगम और सफलदायी स्थितियों वाला बना सकते हैं। तो बिना समय लिए देखते हैं ग्रह स्थितियां अक्टूबर के महीने में किस प्रकार की बनी हुई आपकी राशि के ऊपर रहने वाली है। तो छाया ग्रह राहु राशि से 11th हाउस में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और आपके राशि के अक्टूबर के महीने में पंचम भाव में केतु और शुक्र की युति रहने वाली है। सूर्य मंगल का पराक्रम योग राशि के पराक्रम भाव में बना हुआ है और कर्क राशि वाले जातकों 16 अक्टूबर 2021 को सूर्य देव का परिवर्तन होगा और सूर्य आपके राशि से पराक्रम भाव से निकलकर चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में पहुंच जाएंगे। 21 अक्टूबर को मंगल का भी परिवर्तन होगा और मंगल आपके राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अक्टूबर के महीने में गुरु और शनि का योग राशि के सप्तम भाव में बना हुआ रहेगा। इसमें गुरु बृहस्पति वक्री रहने वाले हैं और नीच स्थितियों में यानी अपनी नीच राशि में शनि के साथ राशि के सप्तम भाव में गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। तो ये हमने चंद्र राशि के आधार पर आपके राशि के ऊपर गोचरी स्थितियों में बन रहे ग्रहों की स्थितियों के बारे में आपको जानकारी दी है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना कर्क राशि वाले जातकों को क्या कुछ देने वाला है। तो देखिए, राशि का जो दशम भाव होता है, जिससे व्यक्ति के दैनिक रोजगार, कर्म क्षेत्र, व्यापार, करियर का विचार किया जाता है, इस भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो सूर्य के साथ पराक्रम योग का निर्माण करके पूरे महीने तक राशि के पराक्रम भाव और चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए करियर का जो मामला रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही सुगम रहने वाला है। हर कार्य आपके पूरा होते हुए नजर आ सकते हैं। यदि पूर्व के समय से करियर के क्षेत्र में किसी प्रकार का विचार आपने बनाया हुआ है और सही समय का आप इंतजार कर रहे हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो यह अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खास रहने वाला है। मानसिक रूप से यदि तनाव
जॉब को लेकर चल रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी, कार्य न मिलने के कारण यदि मन में तनाव की स्थिति निर्मित थी वह दूर होती हुई माँ के मध्य तक नजर आने वाली है। उसके पश्चात भी संभावनाएं उत्तम बनी हुई रहेंगी। इस समयावधि में जो कर्क राशि वाले जातक हैं व्यापार में जुड़े हुए हैं, व्यापार के लिहाज से सफलदायी स्थितियां बनी हुई रह सकती है और व्यापार में नवीनीकरण होता हुआ नजर आएगा, व्यापार का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। विदेशों से संपर्क आपके बन सकते हैं। विदेश में यदि आप व्यापार संचालित कर रहे हैं तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा और विदेश से आपके संपर्क रहने से धनार्जन भी होता हुआ पर्याप्त रूप से नजर आने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों को धन का लेन देन करते समय विशेष सावधानी जरूर रखना चाहिए। यहाँ पर नौकरी पेशा जातकों के लिए जो अक्टूबर का महीना है बेहतर और बड़ी खुशखबरी देने वाला है। इस समयावधि में अगर आपके राशि में आर्थिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो देखिए राशि के दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो पूरे अक्टूबर के महीने में राशि के पराक्रम भाव और राशि के चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं और राशि के लाभ भाव पर राहु की पूर्ण रूपेण दृष्टियां प्रभाव और राहु गोचर स्थितियों में मौजूद हैं। तो यहां पर वित्त को लेकर धन को लेकर जो अक्टूबर का महीना है कर्क राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। इसमें अक्टूबर के मध्य तक आय के नए स्रोतों का निर्माण होगा, हर प्रकार की संभावनाएं आपके पक्ष में बनी हुई रहने वाली है, भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है, भवन वाहन भूमि खरीदने की योजना बना सकते हैं, साथ में आय के एक से अधिक माध्यम भी जीवन में देखने के लिए मिल सकते हैं, आमदनी के लगातार बढ़ोतरी की संभावना बनी रहेगी। परंतु माह के मध्य के उपरांत यदि आप पैसा निवेश करते हैं तो उसके फंसने की संभावना या डूबने की संभावना भी निर्मित हो सकती है। तो यहाँ पर विशेष रूप से व्यापार में सावधानी रखकर ही जीवन में चलें। यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को कर्ज लेने और देने दोनों से जरूर बचना चाहिए। साथ में यहाँ पर वित्त के लिहाज से स्थितियाँ उत्तम बनी हुई रह सकती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो राशि के चतुर्थ भाव से परिवार का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो राशि से पंचम भाव में केतु के साथ मौजूद रहने वाले हैं और अपनी शत्रु राशि में शुक्र मौजूद रहने वाले हैं। तो परिवार के लिहाज से समय मिला जुला रहने वाला है। कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों में छोटी मोटी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है, मतभेद देखने के लिए मिलेगा। परिवार के लोग एक दूसरे के रवैये से काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को समन्वय बनाने की आवश्यकता रहने वाली है। घर परिवार में हर व्यक्ति को एक स्थान पर इकट्ठा रखने का प्रयास आपको करना है, समन्वय बनाने का कार्य करना है। हालांकि परिवार में माँ के अंतिम हफ्ते में उत्साह देखने के लिए मिलेगा और धार्मिक मांगलिक कार्यों का आयोजन भी घर में हो सकता है, जिसमें मन में प्रसन्नता प्रत्येक सदस्यों के देखने के लिए मिल सकती है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक मामले में जिम्मेदारियां बढ़ेगी और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप नजर आ सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में अगर शिक्षा के लिहाज से जानकारी दिया जाए, राशि के शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो सूर्य के साथ शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं और केतु देव और शुक्र पंचम भाव यानी शिक्षा भाव पर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। तो शिक्षा के लिहाज से समय मिला जुला रहने वाला है।
विद्यार्थियों के अंदर प्रगति के लिए, उच्च शिक्षा में तैयारी कर रहे जातकों के लिए, कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे जातकों के लिए, प्रतियोगिताओं और नए इंटरव्यू वगैरह में तैयारी कर रहे जातकों के लिए समय काफ़ी अच्छा और उत्तम बने रहने की उम्मीद रहेगी। परंतु अशुभ है, प्रभाव शुक्र के कारण है, प्रेम संबंधों में कर्क राशि वाले जातक पढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को यह पूर्ण रूपण सलाह दी जा रही है कि विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होने से आपको बचना है, अपना ध्यान शिक्षा में लगाए रखें तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो अक्टूबर का महीना प्रेम को लेकर मिला जुला रहेगा, जिसमें प्रेम संबंधों को लेकर स्थितियां वाद विवाद भरी रह सकती है, काफ़ी बहस पूर्वक नकारात्मक पूर्वक रह सकती है। अक्टूबर के महीने में प्रेम संबंध और मित्रता में जुड़े हुए जातकों के विच्छेद और वैचारिक मतभेद, गलतफहमी की संभावना निर्मित हो सकती है, परंतु वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी गलतफहमियां ज़्यादा उत्पन्न होती हुई रहने वाली है। कर्क राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में तालमेल में उतार चढ़ाव रहेगा, तो यहाँ पर समझदारी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। गुरु और शनि की युति राशि के सप्तम भाव में होने से यहाँ पर आपको समस्याएं देखने के लिए तो मिल सकती है, परंतु दाम्पत्य जीवन के सुख में बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिलेंगी। भले ही आपके संबंधों में वाद विवाद भरी स्थितियां देखने के लिए मिलें, परंतु भौतिक सुख आपको जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी गुरु शनि के साथ सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे, तो यहां पर अगर आपके लिए जानकारी दिया जाए तो ज्यादा किसी प्रकार की प्रतिकूलताएं देखने के लिए नहीं मिलेंगी। कार्यों का दबाव व्यर्थ में देखने के लिए मिल सकता है। मेंटली कर्क राशि वाले जातक अपने आप को परेशान महसूस करेंगे, शारीरिक रूप से ज्यादा समस्याएं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में शनिदेव के साथ मौजूद हैं, तो वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी कर्क राशि वाले जातकों को अक्टूबर के महीने में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। जिन जातकों की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है और हेल्थ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, तो डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय आप जरूर लेते रहें। अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं। उससे पहले बताते हैं चार ऐसे कारणों के बारे में, कार्यों के बारे में, जिससे कर्क राशि वाले जातकों को करने से बचना चाहिए। तो सबसे पहला कार्य है कि किसी व्यक्ति का अपमान करने से बचें। यदि कोई गरीब है, सफाई कर्मचारी है, विधवा या स्त्री वर्ग हैं, उनसे किसी प्रकार से अपमान करने से बचें। वहीं धर्म, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का भी निंदा करने से कर्क राशि वाले जातकों को दूर रहना चाहिए। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को शराब और नशे वाली चीज़ों का सेवन करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को किसी भी व्यक्ति के साथ झूठ पूर्वक नहीं चलना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। चतुर्थ, कर्क राशि वाले जातकों को दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालना और द्वेष का भाव रखने से बचना चाहिए। किसी व्यक्ति की नकारात्मक आदतों के बारे में आप टीका टिप्पणी ना करें। अब कर्क राशि वाले जातकों को ऐसे कौन कौन से चार कार्य हैं जिनको जीवन में जरूर करते रहना चाहिए? तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को अपने सभी कार्यों को समय पर करना है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को
जीवन में संघर्ष से किसी प्रकार से घबराना नहीं है। हमेशा हर कार्य में सकारात्मकता ढूंढने का प्रयास करें। नकारात्मक विचार आने पर भगवान का चिंतन करें और यदि जीवन में संघर्ष चल रहा हो तो उससे आपको जीवन में सीख जरूर लेनी चाहिए। और जिस प्रकार कहा गया है कि जिस पतझड़ यानी पेड़ से पत्तों के झड़ने के बिना नए पत्तों का आगमन पेड़ पर नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार जीवन में संघर्ष चुनौतियों और परेशानियों के बिना अच्छे दिन का आगमन नहीं हो सकता है। तो यदि जीवन में संघर्ष चल रहा है, समस्याएं चल रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता ना करें बल्कि समाधान करने का विचार आप जरूर करते रहें। तीसरा कर्क राशि वाले जातकों को किसी व्यक्ति पर दोष देने से बचना है, भाग्य को दोष देने से बचना है चाहिए। और चौथा कर्क राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक में पाया है कि कर्क राशि के जातक भावनात्मक रूप से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशन का फायदा भी लोग उठाते हैं। मेंटली और शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत और फिट बनाए रखने के लिए मेडिटेशन जरूर करें, अपने आप को समय जरूर दें। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय। तो प्रत्येक दिन भगवान शिव की आप आराधना करें। सोमवार के दिन यदि संभव हो तो इसे उपासना भी कर सकते हैं और इससे मन में काफ़ी एकाग्रता देखने के लिए मिलेगी। जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति की यथाउचित हेल्प करते रहें। हेल्पिंग नेचर अपने स्वभाव में ही रखें। बेजुबान प्राणियों के प्रति, बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करें और शनि के शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए शनिवार के दिन मीठे जल को पीपल के वृक्ष पर जरूर अर्पित करते रहना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।